डॉक्टर सुनील ने अपने को अनम्यूट करिएगा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आप छत्तीसगढ़ अभी गए थे आदिवासियों के सवाल को लेके, अभी तक मुझे नहीं लगा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पे आदिवासी राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं और आदिवासियों के अधिकारों में कितना तगड़ा कुठाराघात होने जा रहा है, ये मुद्दा नहीं उठा। नहीं, अरुण त्रिपाठी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं और मैं छत्तीसगढ़ में गया, हसदेव अरण्य का जो पूरा मसला है उसके ऊपर पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर एक पॉपुलर सपोर्ट है उस मूवमेंट को, जहां पर कि अडानी को कोल ब्लॉक अलॉट करने की बात है। और वहां पर जो है आपको मालूम है सिंहदेव जो है उन्होंने जब अपोज किया उसे, तब उसके ऊपर फिलहाल रोक लगाई गई है। वहां जाकर के राहुल गांधी जो है वो अनाउंस करके आए थे कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वहीं पर जो है कांग्रेस के ही जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उन्होंने ये कहा कि हमारी बिजली का क्राइसिस है, अगर हमारे को जो है कोयला यहाँ पर मिलके और यहाँ से अगर बिजली नहीं मिला तो हम किस तरीके से आगे जाकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मतलब ये है कि एक कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के अंदर राज्य सरकारों को फंसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो बात अरुण त्रिपाठी जी ने कही है सबसे बड़ा यही सवाल होना चाहिए था उनका, जो अभी पास्ट है व्यक्तिगत पास्ट जो बताया उसके प्रति सभी की संवेदना हो सकती है, होना ही चाहिए, लेकिन जब वो उड़ीसा के अंदर जब वो एमएलए थी उस समय जब वहां पर फायरिंग हुआ था, फायरिंग के अंदर 11 आदिवासी जब मारे गए थे उस समय भी वो मौन रही थी। उसके बाद में जब वो राज्यपाल रही, राज्यपाल के अंदर जमीन अधिग्रहण का मसला रहा, आपको मालूम है पेशा के का जो कानून है उस पेशा के कानून के अंदर राज्यपाल की बहुत बड़ी भूमिका है उसे लागू कराने की, तब भी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये बात जो अभी अरुण जी ने कही है वो पूरे अपोजिशन को जरूर पोज करने का काम करना चाहिए था कि ठीक है आप जो है कैंडिडेट हैं तो आपके आदिवासियों के जल जंगल जमीन के ऊपर सामुदायिक अधिकार का जो सवाल है या जो वन अधिकार कानून को लागू कराने का सवाल है या जो सामुदायिक वन के ऊपर अधिकार का जो ये सवाल है इसके ऊपर आपकी क्या पूरी अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेकर के एक तरीके से खुली चुनौती देना चाहिए थी। और मैं इस पक्ष का हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर डिबेट होती है, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, उस तरीके की जो है अगर इस बात में पूरे तरीके से सक्षम है यशवंत सिन्हा जी कि उन्हें बाकायदा चैलेंज करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, संविधान प्रमुख बनने जा रही हैं, तो जो इस समय देश के सामने जो संवैधानिक बड़े सवाल हैं या जो कहा जाए संवैधानिक संकट है या लोकतंत्र का संकट है या फिर आदिवासियों के सामने एग्जिस्टेंस का जो संकट है उसको लेकर के मैं चाहता हूँ कि भाई आप मेरे साथ में डिबेट करें और कुछ जो है कुछ लोगों को, कुछ मीडिया हाउसेस को, ये अल्टरनेटिव मीडिया वाले लोग हैं उन्हें कोई प्लेटफॉर्म देना चाहिए और उन्हें दोनों कैंडिडेट्स को बुलाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है आप राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे हैं तो आपकी क्या समझ है, क्या आपकी योजना है। अब ये है कि अगर ये मान के चला जाता है कि जो है राष्ट्रपति है उसके तो कोई पावर्स ही नहीं है, वो तो केवल एक रबर स्टैंप ही है तो कोई भी बन जाए उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये एक मानसिकता आम तौर पे काम करती है। खैर मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात कहा जा रहा है कि लोग बहुत आदिवासी खुश है क्योंकि हम आदिवासी क्षेत्रों में ही काम करते हैं, अभी आदिवासी क्षेत्र से ही आए हैं और अभी फिर हम लोग 19 तारीख को भोपाल के अंदर एक आदिवासियों का एक पूरा सम्मेलन रखा, यही जल जंगल जमीन की कॉरपोरेट लूट को लेकर के रखा है, तो आदिवासी तो हर जगह पर ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जब विधायक बन जाता है, हमारा जब सांसद बन जाता है वो हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता, तो फिर हमारा राष्ट्रपति बनने के बाद वो भी हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो एक तरीके से जो सिंबोलिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसका पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करने का काम जरूर करती हैं, लेकिन उसको लोग जो है वो रिजेक्ट करते हैं क्योंकि लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रपति एक अगर मुसलमान बन गया, अगर दो लोग बन गए अगर, तो मुसलमानों के जीवन में कोई अंतर नहीं आया, महिला अगर बन गई तो महिलाओं के जीवन में कोई अंतर नहीं आया, इसी तरीके से आदिवासी बन जाएंगी तो आदिवासियों के जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बात एकदम साफ है और इसलिए ये इन बातों को पब्लिक ये जो है डिस्कशन के अंदर आना चाहिए, बहस में आना चाहिए और ये बात सही है कि अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि वो इन मुद्दों को बहस में लाने का काम करें, लेकिन ये काम ये बात नहीं हो पा रही है, ये बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है, इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए। जी जी हरजिंदर जी अपने